बुरहानपुर पहुंचे पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को लेकर कहा कि भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद भी इनकी जांच नहीं हुई। भाजपा सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने भी कहा कि सरकार इनकी सब कुछ इनका है, जो भ्रष्टाचार हुआ इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने कहा कि ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2 करोड़ का घोटाला। लोकसभा से वर्तमान में सांसद श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल हैं और इनके ये ऑलरेडी इनके ऊपर 2 करोड़ के रिपोर्टर रहे हैं और ये चीज तो वो है जो साबित हो चुकी है और इसी कारण इनको पद से हटा दिया गया था। ये इन्हें अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का बैंक का लेना देना है और 2 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर रहे हैं, व्यक्तिगत इनके खाते के भी और इनकी फर्म के खाते के भी। उसके बावजूद ये अध्यक्ष पद बने जानते हुए और इसी वजह से उनको बाकायदा सहकारिता आयोग ने पद से हटाने का आदेश कर दिया। ये तो सबूत है, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट का कागज है और उसके बाद भी कोई मान नहीं रहा है तो वही कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, सत्ता है सत्ता के आएगा शांत पत्र। ज्ञानेश्वर पाटिल जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई है मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी प्रकार भ्रष्टाचार ठीक है